पिछले दिनों मालाखेड़ा थाना पुलिस द्वारा नाकेबंदी के दौरान एक युवक के साथ निर्ममता से पिटाई किए जाने के मामले में दोषी पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करने व पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक रमेश बैरवा के नेतृत्व में एक दल एसपी से मिला। इस मामले में एसपी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर इस घटना की जांच एएसपी को सौंपी गई है। दोषी चाहे कोई पुलिस कर्मी ही क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। ज्ञापन में मांग की गई कि पुलिस बर्बरता के शिकार मालेखेड़ा के शिक्षक विश्राम बलाई को न्याय एवं नागरिक अधिकारों के हनन के दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। गौरतलब है कि विश्राम बलाई 22 जून को पृथ्वीपुरा से बीज वार्ड नरुका होते हुए मालाखेड़ा अपने घर लौट रहे थे, तो शाम को रेलवे फाटक पर विश्राम को पुलिस ने रोका, जिसके बारे में उसका ध्यान नहीं गया। लौटते हुए विश्राम मालाखेड़ा के सुभाष चौक पर आकर रुका, सब्जी खरीद रहा था। इसी दौरान पीछे से अचानक पुलिस की जीप आई, जिसमें 4-5 पुलिस कर्मी थे। पुलिस कर्मियों ने बिना कोई जानकारी किए विश्राम पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस विश्राम को थाने भी ले गई। थाने ले जाकर मालाखेड़ा पुलिस ने शिक्षक विश्राम बलाई के साथ बर्बरता पूर्वक सलूक किया गया और वहां पर अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। आरोप यह भी लगे हैं कि पुलिस कर्मियों द्वारा विश्राम बलाई की मूछे उखाड़ दी गई, आंख और कान में भी चोटें आई हैं। पुलिस ने इतना जुल्म ढाया कि पुलिस क्रूरता की इस घटना से न केवल इंसानियत तार तार हुई बल्कि सभ्य समाज भी कलंकित हुआ। इन सब आरोपों के साथ आज एसपी को ज्ञापन दिया गया। एसपी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा कि पीड़ित के साथ न्याय किया जाएगा और साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ चल रही जांच में सही पाए जाने पर उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।